तो हम लोग अभी जा रहे हैं अपने ट्रिप के लिए। तो यहाँ पर सब लोग काम पर लगे हुए हैं क्योंकि नाश्ता करना है और फटाफट निकलना है। ऐसा लग रहा है अलग ही जगह आ चुके हैं बिल्कुल हम। उत्तराखंड हिमाचल में जो पहाड़ है वहाँ पर काफी ठंड रहती है और यहाँ बहुत सुकून मिला है। यहाँ पर ठंड बहुत हो रही है, दिल्ली से ज्यादा यहाँ पर ठंड है। गाइस हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है हमारे साथ। ओए लखनीत भाई नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आशीर्वाद दे दो। नमस्ते, हम लोग चल रहे हैं, बस निकल रहे हैं। ठीक है, पूरा हाँ निकल ही रहे हैं हम लोग बस। ठीक है नमस्ते मम्मो, नमस्ते आशीर्वाद दो, निकल रहे हैं, पूरा आशीर्वाद है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं अपने ट्रिप के लिए, बहुत अच्छा ट्रिप होने वाला है। एक सॉन्ग शूट है जो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा इंस्टा पर भी यूट्यूब पर भी, लिंक मैं शेयर कर दूंगा जब होगा। फिलहाल सारा ध्यान है कि उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से होना चाहिए क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है पूरे डायरेक्शन की, एक्टिंग की। क्या हुआ, मेरा इतना सारा आशीर्वाद बताओ, कितना सारा, इतना सारा लाओ कर दिए। मेरा एक कुर्ता रह गया, बाकी सब हो गया। अभी याद आया, मैं जाते हुए ना भूल गई। अच्छा कौन सा कुर्ता? लाल कुर्ता। क्या बना रही हो मम्मी, पराठे? आज बना नहीं हैं, इसकी सब्जी, सूखी सब्जी, स्कूल वाली। अच्छा किसके, खुद का बना है या पाई का? तो हमारा भी निकलने का टाइम आ गया, हम लोग निकल रहे हैं सीधा यहाँ से जयपुर के लिए। 11 बज गए, हमारा रास्ता है करीब 3 घंटे का। सॉरी हम जयपुर नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं सरिस्का, तो राजस्थान के अलग अलग पार्ट है दोनों में से। हे गाइस वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। जैसे कि आपको पता है हम लोग सब जा रहे हैं ट्रिप पर जयपुर। तो यहाँ पर सब लोग काम पर लगे हुए हैं क्योंकि नाश्ता करना है और फटाफट निकलना है यहाँ से। सुधीर बहुत धीरे बर्तन धो रहा है, मैं सुधीर की तारीफ कर रही थी, खुश हो गया। और यहाँ पर आलू के पराठे और हल्का पूरी बनाई जा रही है। तुम क्या बना रहे हो? हलवा बना रहा है। सैंडी को आता नहीं है कुछ करना, लेकिन वो कर लेता है क्योंकि उसकी शादी होने वाली है और उसने चक्कर से प्रॉमिस किया है कि वो काम करेगा, है ना चक्कर? तो प्रॉमिस क्या किया तूने? खाना बनाना सीखा। अच्छा कल मेरी ताई जी से बात हो रही थी और ताई जी पता क्या कहती, कहती अरे वो लड़की सच में इसमें फाइनल कर ली है क्या? मैंने कहा हाँ ताई जी, आपको मजाक लग रहा है क्या? मतलब हम वीडियो के देखो, मैं ना एक चीज़ बताती हूँ, बता दो फिल्म वाली वो क्या है ना, देखो जब से चंदो इसकी लाइफ में है इसको फेम मिल रहा है बहुत। ऐसा होता है ना, एक लेडी लक आता है या फिर मैन लक जो भी बोलते हैं, मैन लक, तो इसकी लाइफ में वो लेडी लक आया है जिसकी वजह से ये फेमस हो रहा है। तो मैंने कहा देख अभी तो शादी नहीं हुई है, तो शादी हो जाएगी तो कितना फेमस हो जाएगा। तो कह रहा चल मैं सोचता हूँ, उसके बाद इसने ये बोला। तो गाइस तैयार हो जाओ 8 फरवरी के लिए, मेरे भाई की शादी है, मेरे ब्रदर की दुल्हन। हम लोग अब निकल रहे हैं, हमारा सारा काम हो गया है और आप देखो कितना सुंदर लग रहा है हमारा मंदिर। इसमें थोड़ा सा और काम है, जैसे ये पूरा कारपेट यहाँ तक मैं बिछाऊंगी, अभी जब आ जाऊंगी तब सारा सामान लेकर आऊंगी। उससे पहले मिलते हैं 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद। सो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं, मेरा सर फटा चला जा रहा है। अरे आराम तो गाइज हम लोग सब रेडी हैं ट्रिप पे जाने के लिए और सब सुपर डुपर एक्साइटेड क्योंकि बहुत फन होने वाला है। कुछ एडवेंचरस चीजें मैंने प्लान की हुई जो कि इन लोगों को अभी नहीं पता, वहां पर मजा आएगा। नीतू हंस रही है, मजाक बना रही है मेरा क्योंकि उसको पता है वो ऑलरेडी जा चुकी है उस जगह पे। बट नीतू दूसरों का सस्पेंस मत खोलियो अभी, ओके? कुछ बहुत अच्छा प्लान किया हुआ है। आर यू गाइस रेडी? यस। क्या मरे हुए लोग हो यार, सब रेडी? यस यस। ओए लखनी क्या आवाज, पूरा फ्लो बिगाड़ दिया। नीतू तेरा तो बैठ तैयार है। मैं और सैंडी, मैं इसमें कौन कौन है भाई, तू और सैंडी भाई? सैंडी भाई इसमें है। आपको क्या तकलीफ है? नींद आ रही है ब्रो। ये तकलीफ है आपकी? तकलीफ। जल्दी से यार बैठो यार अंदर। गुड, नहीं तो अभी ट्रिप स्टार्ट भी नहीं हुई, सर घूम रहा है बहुत। ठीक है लेट लिया। गाइस बहुत मजा आने वाला है अपनी पूरी टीम के साथ ट्रिप पे जाने का और एडवेंचर जो हम करने जा रहे हैं खासतौर से, तो बहुत स्पेशल होने वाली है चीज़। बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे, ऐसा एक मोमेंट हमें चाहिए था कि हम सब लोग जाए इन्जॉय करें क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं सब लोग साथ में यहाँ पर। तो नाउ इट्स पार्टी टाइम। नीतू तू लेट गई अलग बात है, लेकिन सुन अब ये मत करियो कि एसी मत चलाओ, पंखा मत चलाओ, ऐसे मत करियो ना, ठीक है? बहुत ही कम, बहुत ही कम। रास्ते में रुके क्योंकि मेरे को टॉयलेट जाना था, कंट्रोल नहीं हो रहा था, मैं बैठा बैठा पानी पी रहा था और फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि बहुत तेज प्रेशर बन चुका है। हमने देखा ये जो मुंबई वाला नया एक्सप्रेसवे बनाया ना, यहाँ साइड में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट नहीं है, ऐसे लग रहे हैं जैसे फैंसी टाइप के होते हैं फूड आउटलेट्स। आप देख सकते हो ये डोमिनोज है, उधर आई डोंट नो झिलमिल करके कोई जगह है, उधर ड्राइवर्स करके कुछ जगह है। तो तीन चार चार अलग अलग चीज़ें हैं, कुछ खाने नहीं वाले क्योंकि लेट हो जाएंगे, सीधे उधर ही जाकर खाएंगे। वैसे सच में लोकेशन बहुत अच्छी है, देखो पीछे पहाड़ों का कितना अच्छा व्यू आ रहा है, यहाँ पर सब लोग बैठकर लंच कर रहे हैं और उधर भी कुछ है जहाँ पर टॉयलेट है। नीतू अभी भी सो रही है। वाह नीतू टॉयलेट जाना है तेरे को, इतनी गहरी नींद में पूनम में तुम्हें जाना है? नहीं तो सोते रहो फिर इधर ही। पुनीत और सैंडी भाई दोनों उधर ही खड़े हैं। आ जाओ भाई चलना है, आ जाओ। पुनीत की मैंने शक्ल देखी,
ऐसे जैसे बिल्कुल बेड से उठाओ, वॉशरूम में था वहाँ और मुझे देख के भाई अजीब है यार, फ्रेश लग रहे हैं ना, फ्रेश कुछ भी नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है पुनीत के बाल देखो, पहले से तो फ्रेश लग रहा है पुनीत। गुड मॉर्निंग भाई, तू कैसे आया था नींद में झूलता झूलता वहाँ? पुनीत भाई जयपुर पहुँच गए? नहीं अभी नहीं। चलो आओ जल्दी बैठो गाड़ी भाई, निकलते हैं। हम दो गाड़ियों तो आ गई, दो पता नहीं कहाँ रह गई, उनका वेट कर रहे हैं अब, आगे शायद आगे आगे वो भी। चलो एक रहती है अभी भी, वो एक गाड़ी कहाँ रह गई, कहाँ रह गई अंकल वो गाड़ी, वो लोग कहाँ रह गए वही देख रहे हैं। क्या तुषार, दे तो रेस्ट का प्लान था आज? नहीं बिल्कुल भैया सही है, तुषार में पूरी एनर्जी आ रही है, जल्दी पहुँचाएगा। और तुषार तो तुम्हारी वजह से मात खा रहा ना, तब तक जयपुर पहुँच गया। क्या हुआ? एनर्जी का राज है। तू सोया थोड़ा बहुत? हाँ थोड़ा थोड़ा, थोड़े में तो क्या ही होगा तेरा। तुषार को ना ऐसे बोल दो, तुषार भाई तुमको कार चलानी है, तुषार में एनर्जी आ जाएगी। है ना तुषार में, पहले नींद आ रही थी तुषार को, अब तो भाई वो गाड़ी तो दिखी नहीं रही, आ गई क्या? यही है, चलो फिर चलो आ जाओ बैठो। काउंटिंग पूरी, एक पीछे आ गई, एक ये और एक अपनी वाली। थैंक गॉड तुम दोनों उठ गई। हेलो, बहुत मजा आया यार। तो ढाई घंटे से नॉन स्टॉप सोई तुम है ना? बहुत अच्छी नींद। अच्छी नींद आई? मैंने भी डिस्टर्ब नहीं करा बिल्कुल, मेरे को तो ज्यादा खास नहीं थी। यहाँ पर चेकिंग चल रही है, एक्चुअली राजस्थान में इलेक्शन है तो उसके लिए पुलिस वाले गाड़ी रुकवा रुकवा के चेक कर रहे हैं, हमारी सारी गाड़ी के बैगेज भी चेक करे जा रहे हैं। बट इट्स ओके यार, मतलब हमें सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ों में। और दूसरा ये कि अब भूख लग रही है बहुत तेज, अब भाई पहले खा ही लेते हैं कहीं पर रुकवा के। तो बीच रास्ते में हम उतरे कुछ खाने के लिए, मतलब खाना तो अपने को रिजॉर्ट जाके है, लेकिन यहाँ से कुछ लेने वाले हैं पैकेट में। मूँगफली दिख रही है मेरे को भाई, मूँगफली दे देना। कितने की है? 15 की 100 ग्राम है। 15 की दे दो 100 ग्राम। पुनीत भाई मैं कुछ चिप्स वगैरह लेकर आ रहा हूँ, तो मूँगफली पैक करा लो ठीक है नीतू के लिए। आई थिंक इस जगह का ये बाजार है बहुत मेन, सारी शॉप्स इधर ही हैं। अन्य भैया केले ले रहे हो ना? ठीक है यार, यहाँ पे देखो कितनी मस्त खस्ता कचौड़ी, अंकल सब्जी के साथ मिलेगी ना ये? हाँ जी। दे दो जरा मेरे को एक प्लेट। अब ऐसा है, अब बाहर में जाए डाइटिंग भाई, कंट्रोल नहीं हो रहा भूख पे बिल्कुल भी। अब ले भाई छोटे, पहले ड्राइवर भैया के लिए ले जा। बाकी भाई आएगा तुषार, अंकित भैया लोगे? आ रोहित तेल कुछ लगवा रहा है मैंने। क्या है ये? तो उनका भी ड्राइवर भैया का भी, एक और लगेगा तेरे, एक और लगा दो भैया। अच्छा ये ड्राइवर भैया का? हाँ ये ड्राइवर भैया का है। क्या भाव किसी को तोड़ने लगा? कचौड़ी है। अच्छा कचौड़ी है, घूम रहा है नीतू, कचौड़ी मिल रही है बहुत मस्त। चलो खुद ही खाओ। अरे खस्ता कचौड़ी सब्जी के साथ जो मिलती है, मुझे कुछ चटपटा। अब चटपटा और क्या लाऊं तेरे लिए? चटले नहीं है यहाँ पे यार, हर जगह चटले चाहिए इसे। अरे पुनीत तू जा यार जल्दी, वो खा चटले ला दो। नहीं तू खा, यही मैंने तुझे बोला छील के दे, तूने ऐसी दे दी मेरे को साबुत। यार बहुत बुरी यार, बहुत बढ़िया सैंडी भाई। एक मेरी गाड़ी में रख देना पैकेट भाई, जो भी कचौड़ी खा रहा है मेरे को एक बाइट खिला देना अपनी में से बस। थैंक यू भाई, मजा आ गया, बहुत टेस्टी लेना तुषार, बहुत टेस्टी यार, कुछ मजेदार है ना। अरे बहुत टेस्टी है भाई, खाओ। सैंडी भाई तो इधर से उधर घूमे जा रहे हैं भाई, मैं लाया भाभी जी के घूम। जिसने एक बाइट खा ली ना वो खाते रह गए यार, बहुत टेस्टी यार भाई। एक कहा मिली खाना तभी वो आई डोंट ईट योर झूठा। कैमरा बंद कर दे, एक गाली आ रही है मेरे मन में। रन दे रन दे, ले 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 एक बाइट हल्का हल्का सा मेरे से, बाबा जी के घूम रहा हूं। तो अब यार चलने का टाइम आ गया क्योंकि हम लेट नहीं होना चाहते। मैंने चॉकलेट्स भी लिए हैं कुछ नीतू के लिए, मुझे पता है नीतू मना कर देगी, फिर एंड में मैं ही खा लूंगा। ले नीतू चॉकलेट तेरे लिए, नहीं खाएगी। शिट यार कितने मन से तेल लाया था, मजबूरी मुझे खानी पड़ेगी। तो खाना खाने के बाद अब बारी है साफ सफाई की, करो भाई करो दोनों। साफ सफाई हो गई है, हमने कर ली साफ सफाई, अब बारी है मूंगफली खाने की। तो साफ सफाई करी क्यों, जिसके बाद करती फिर? अरे होता रहता है। मैं तो कुछ हेल्दी खाऊंगा, सॉरी इसको छुपाऊंगा, केले भी लाया हूं मैं तो, केले खाऊंगा सिर्फ। गाइस हमने गाड़ी रुकवाई है बीच में, वैसे जिस जगह हम जा रहे हो 20 मिनट दूर है वैसे यहाँ से, लेकिन इतनी सुंदर लोकेशन थी यार, मेरे को उम्मीद नहीं थी राजस्थान में ऐसे ऐसे पहाड़ होंगे, है ना भाभी? आ जाओ तबीयत ठीक यार लखन, मैं यार इन्होंने खाने के लिए नहीं पूछा आपको भाई, कितने बेदर्दी हैं यार। नहीं पूछा था मैं ये कहा भाई, ओ भाई वो क्या करा तुमने भाई? ये तो सुन, मैं ये कह रहा ये इस बात को झूठ मान रहे कि यहाँ भूत है, मुझे दो जनों को तो आज भूत दिखाई देना भाभी है, यहाँ बाघ भी है, वो देखा रास्ते में वो लिखा हुआ है, मुझे डराते आ रहे हैं दोनों। हाँ भूत है, जिम पता नहीं क्या क्या बताया। सुनो यहाँ बाघ तो है भाई, देखो यार भाई मुझे यकीन नहीं हुआ कि राजस्थान में इतनी सुंदर जगह है, मतलब सुंदर जगह काफी लेकिन पहाड़ों जैसी जगह, ऐसा लग रहा है अलग ही जगह आ चुके बिल्कुल हम।
उत्तराखंड हिमाचल में जो पहाड़ है वहाँ पर काफी ठंड रहती है, बट यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा है रोहित? तीन भूत है वहाँ पर। क्या तीन भूत है वहाँ पर? तीन भूत नहीं है, कोई कोई बैठा है वहाँ पर भी। और अगर ऊपर से बरसात बरसात आए तो पहले देख लेना ऊपर हो क्या रहा है। यार अच्छी लग रही है ना लोकेशन, उत्तराखंड वाली फील है। हाँ मैं बता, लेकिन उत्तराखंड में ठंड है समझ रहे हो, यहाँ इतना सूदिंग सा है, उधर देखो कितनी हरियाली सी भी है। ये तो कैसी लग रही जगह? ये बहुत सुंदर, हमें मुझे उत्तराखंड की याद आ गई। उत्तराखंड में ठंड रहती है बस, है ना। क्या ब्लॉगर सस्ती ब्लॉगर कहाँ मिला तेरे को दिखा? अच्छा अभी तक है, चलो आओ। ये मुंबई से यहाँ तक आया है। क्या हो गया? नहीं तू मेरे पैरों में दर्द हो। ये दोनों मुझे लगता है ये बेचारे टॉर्चर कर रखा है तूने, सैंडी बेस ने तुम्हें बदनाम कर रखा है। मैं आके चिप्स ढूंढ रहा था, अंकल चिप्स कहती है वो तो सैंडी ले गया। नहीं नहीं अंकल चिप्स नहीं लाया, थोड़ी देर बाद दिखे फिर तो इसी में रखे हुए थे सारे। सैंडी भाई लाए थे, लाए थे, लाए थे। तुमको याद नहीं है, तुम भूल गए हो क्या? मैं वो लाया था भाभी जी के घुंघरू। भाभी जी के क्या है? भाभी जी के घुंघरू। चलो आओ, चलो गाइस चलते हैं। तो यहाँ हमें रुकना पड़ गया, पता नहीं कुछ हो गया इनके ट्रैक्टर में। गाइस लुक एट दिस, कितनी सुंदर लोकेशन है ये। और जो हमारी लोकेशन है जहाँ हमें जाना है वो जगह सिर्फ 5 मिनट दूर है, तो हम इधर भी आएंगे घूमने। वाओ यार देखो कितने सुंदर लग रहे हैं पहाड़, चट्टाने हैं पूरी। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, जिसको आप दोबारा देख रहे हो क्योंकि यहाँ हम अभी कुछ दिनों पहले भी आए थे, बट जगह बहुत सुंदर थी इसलिए दोबारा से आए। इस जीप में आज हम बहुत फन करने वाले हैं। वो काफी सारे लोग आए हुए हैं यार, क्या हमारा व्लॉग देखने के बाद ही तो नहीं आ गए लोग यहाँ? दिवाली की वजह से लोग आए होंगे। हाँ मे बी। हाँ जी पूरी बटालियन तैयार हमारी, किस चीज के लिए? तुम तो आज भाई तुम तो रहने दो आज। भाभी सच बता रहा हूँ, मैं होता ना मैं नहीं सुनता इतना, आपकी जगह होता तो। आप बहुत भोली हो तभी तो करते हैं ऐसे। सुनना पड़ेगा, इन्हें सुना दो एक दिन। आज इसके साथ खेल हो जाएगा। किसके साथ? इसी के साथ। आज कुछ प्लान है तुम सबके लिए, टेंशन मत लो। तुझे क्या हुआ? पूरे तो मैं देख रहा हूँ तू कितना बुरा है यार। ये मजाक उड़ाता दूसरे को। हाँ अभी जब वो कह रहे थे ना, वो जब भाभी कहती कि मैं पापा को फोन कर दूंगी, तो क्या कहता कि वहाँ से तो घुसा नहीं आ पाएगा यहाँ तक। नहीं भैया खुद बोल रहे थे, भाभी कहती मैं चुड़ैल से नहीं डरती, तो कह रहे भैया कह रहे कि हाँ तू शीशा भी डेली देखती है। अच्छा अरे यार भाभी से मारो, खुद की बात उन पे डाल। मैं बता रहा हूँ ना बहुत बुरा है, बहुत बुरा। नहीं तो तू क्या बन रही है इसका, लगी हो चल रहा है। अगर इधर हेल्प करो मेरी। हाँ पुनीत बन जा, इसी को ओढ़ ले ऊपर चादर को। आज रात को लेट, आज पेड़ों पे भी लटका दिख सकता है किसी को, सकता पेड़ों पे ना। पेड़ों वाले भी तो होते हैं उल्टे लटके रहते हैं, वो एकदम से एकदम कंधे पे बैठता है। तुषार भाई तो तुषार तो पेड़ पे से वैसे ही ऐसे उतार लेगा ऐसे करके, इतनी लंबी हाइट कहाँ लेके जाएगा भाई? बैठना है ना। अच्छा तुषार भाई के घर पे दो छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए एरोप्लेन ऐसा उड़ा। वाह नीतू यार कितनी अच्छी है तू यार, मैंने तुझे कितना बुरा समझा, सॉरी यार। डायलॉग बहुत पुराना हो चुका है। अब तेरे लिए नए डायलॉग इन्वाइट करूं मैं? हाँ। भाई यहाँ पे एक इंसान का प्रमोशन हुआ है, वो रोहित। रोहित अब मेरा मैनेजर बन गया है। रोहित सबकी आईडी ले ले भाई। कौन सी आईडी दे रहे हो? मैनेजर। अरे हाँ आपका भी मैनेजर है वीडियो में, मेरा मैनेजर हो गया। नहीं आपका तो मैनेजर है, मेरा मैनेजर। चल भाई कर अभी एक ही आईडी है तेरी खुद की, कहीं बता मेरी ढूंढनी पड़ेगी। कैसा मैनेजर है यार? मेरे फोन में नहीं भाई, वैसे हार्ड कॉपी नहीं है पर्सनल, भूल गया। अरे वाह करो गाड़ी ले जाओ वापस। सी गाइस मैंने देखी है, टर्टल भी है यार, कितने बड़े हैं। इनकी क्या एज होगी इनकी? 3 साल के आसपास। अच्छा अभी तो बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं इसका मतलब। हाँ क्या हो गया भाई, किसकी बुराई कर रहे हो तुम लोग? एक लड़की बहुत ज्यादा क्यूट लगती है, तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। किसकी लड़की है? उसका नाम याद नहीं है। नाम ही याद नहीं है, फिर तारीफ क्या कर रहे हो तुम? एम से मोहिनी। वो तो प्यारी है। ये देखो आज हम ये सब करेंगे, बताऊं तेरे को? बताऊं तेरे को मैं है? बहुत तेज कहा है मेरे भाई। वेलकम ड्रिंक ले लो। सैंडी भाई कहाँ घूम रहे हो यार? वो बीगल है नहीं तू? वाह यार काश हम गुची को भी लेके आते, पर नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे हम। खम्मा गनी, खम्मा गनी बोलते हैं आप? हाँ जी। खम्मा गनी ठीक बोला ना मैंने? क्या है? गनी गनी खम्मा बोलते हैं। गनी गनी खम्मा अच्छा भाई, मेरे से बोलो तो सही दोबारा एक बार। गनी गनी खम्मा ठीक है। क्या हो गया अंकित भाई, क्या करते हैं मुझे बता दू? भाभी को था, भाभी को बुला के। नहीं मैं प्लानिंग बता रहा था। अच्छा भाई अच्छा वाली प्लानिंग अपने वाली। मैं बता रहा हूँ पूरा बुलंद शहरी रंग है भी इसमें, इसे थोड़ा बच के रही हूँ। ना ना सही है अपना गाड़ी है। नहीं तो क्या स्टाइल है तेरा यार, वेलकम ड्रिंक पीने का, जैसे तू ओन करती हो रिजॉर्ट को। एक दिन करूंगी इसको। इसको नहीं किसी और को, अपने नाम से करूंगी ना, उस सब पता नहीं किसका नाम होगा। बात तो सही है।
अरे आ जाओ भाई, क्यों लेट लगा रहे हो, जल्दी आओ। अब है रूम बटने की तैयारी। चलिए भाई साहब आओ गाइस, यहाँ से अपना 105 से लेके अंदर से लेके ये इन सबके हैं। सबके मतलब हाँ, इन्होंने एक अलग कर दिया उधर, जो सबसे पहले हमें मिला था ना वो वाला दे दिया एक, और बाकी चार इधर मिल रहे, बाकी सब बुक है। हमारा वाला चलेंगे अभी पूरे। आ जाओ पहले, आ जाओ यार देख लेते ना भाई, अच्छा लग रहा है अभी। यहाँ सारे लग्जरी टेंट हैं। ये तो ये पहला टेंट, ओ यार ये सुंदर है काफी यार, यार ये ज्यादा सुंदर है, चेंज कर ले अपना किसी के साथ, ये ज्यादा सुंदर लग रहा है मुझे तो। हाँ मैं पहले सारे रूम देखूंगा जा जाके। ओ यार बहुत ही सुंदर है भाई ये तो। इधर ही है, अरे एक ही मिला नहीं तो, यहाँ रूम है ही नहीं, मतलब पांच रूम दिए उन्होंने अलग अलग तरीके के, चार एक लाइन में मिल गए, एक अलग मिला। रुमाल रख देना इससे अच्छा। भाई यहाँ आते झगड़ा शुरू हो गया, क्या हो गया तुम दोनों में? ये बैग पहले मैंने रखा है तो ये बेड मेरा होगा। बैग किसका है ये तो देख, बैग मेरा है, मेरा फोन गया मेरा। भाई पहले दिखा तो मुझे था, मैं रोहित की तरह कर दूंगा, तुषार भाई ये बेड मेरा हो जाएगा। भाई ये 106 है, एक जना ये ले लो, तो ऐसा लग रहा है ट्रैकिंग करने आए हुए हैं सबके सब। हाँ मैं तो लाइन से ले लेते यार। तो हमारे पास पांच रूम है, चार एक लाइन में मिले, पांच वाला है क्योंकि पूरा बुक्ड है रिजॉर्ट, इसीलिए एक साथ नहीं मिले। हम देखते हैं, अगर मन किया तो वहाँ रुकेंगे, वरना हम लोग इधर ही रुक जाएंगे, किसी एक को वहाँ भेज देंगे। टीम के साथ रुकना है अपने को, नहीं तो ये बिल्कुल पत्थरों का बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम स्टोन केबिन रख रखा है इन्होंने। वाह आप लोग देख सकते हो या नहीं, अगर नहीं तो फिर एक मिनट रुको, अब आप देखो पूरा पत्थरों का बना हुआ है ये स्टोन केबिन। यार ये भी एक्सपीरियंस है अपने आप में। तो जब हमने देखा कि इसकी फेंसिंग हो रही है, हमें पहले लगा गुची आ सकता है, बट नहीं, हमारा गुची साइड में से पता नहीं कहाँ भाग के जाएगा और भाग ही जाता है फिर, वो जैसे कि जेल में रहता हूँ हमारे पास, नहीं तो मैं तो कहीं भी रुक लूंगा भाई। सीधी बात सुन, झूठ बोल के लेके जाते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं दिखता, बोलते फुटप्रिंट है और वहाँ पर होते नहीं है। अभी काफी गेस्ट को हमने दिखाया है, इसमें कुछ फॉरेनर्स गेस्ट भी थे, और अगर ऐसा ही होता तो इतने सारे लोग का रिव्यू नहीं आता, उनको बकायदा दिखाया है। वो लोग हैं इधर, अरे वो गए, वो क्या यहीं रुक जाएंगे के लेपर्ड देखने के बाद? पर भैया ये बताओ, अभी क्या बता रहा हूँ, वॉक है उसमें क्या होगा? हम क्लब कर सकते हैं आप लोगों की सारी, आप लोगों तीन जने जा रहे हैं एक्चुअली, वो तीन जने रहेंगे, आप अपना जो भी वीडियोस वगैरह वो आप अपना अलग बना सकते हैं। हमारे लगेज बैग, अपना लगेज पहचान लो, वो रूम में पहुंच, अभी तो हमारा रूम ही डिसाइडेड नहीं है। चलो डोरी एक्साइटेड हो गई दादा, इसकी चाबी लेके भाग गई, गलत बात है पूनम बहन। हाँ भाई एक स्टोन केबिन जो है वो अलग है। हाँ वो दिखा देता हूँ। हाँ भैया यार हमें एक लाइन में दे दो फिर, पांच अब है ही नहीं अवेलेबल। इससे अच्छा तो वो है, मेरे बाहर देगा तू, मेरे को भी दिखा। जाओ 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 भाई, हम नहीं करते चेंज, जाओ उधर, हम नहीं करते चेंज। हाँ भैया 201, ये भी 201 है, 201 क्या? नहीं तो यहाँ से तो खोल, खोलियो पुनीत, मैं पीछे से आ जाता हूँ। देखा मेरे हाथ लगा दी, खुल गया। अरे कोई मजबूत कंधा है क्या? जिस टाइम हम आए कोई भी नहीं था बहन यहाँ पे उस टाइम, अच्छा बिल्कुल एम्प्टी था। तो अब हम लोग बस यहाँ से अपना सामान सब रखते हैं, अपने अपने रूम में जाते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर से मिलेंगे। सो गाइज ये है हमारा रूम, जिसका रूम नंबर है 106। ये भी ऐसा ही है जैसा आपने बाकी के रूम्स देखे, कुछ डिफरेंस तो इसमें है नहीं, बट बहुत अच्छा लग रहा है। टेंट थीम, लास्ट टाइम हम टेंट वाले किसी में रुके थे वो थी हाउस बोट कश्मीर ट्रिप पे अपने पे, काफ़ी अच्छा है। आप लोग बताना कमेंट्स में आपको कैसा लग रहा है ये, और शेयर करना हमारे साथ। इसका बाथरूम अच्छा है नो डाउट, और काफ़ी अच्छा है, मतलब अच्छा नहीं बहुत अच्छा है, स्पेशियस है। बस इसमें थोड़ा सा एक पता है मुझे क्या लग रहा है, आप ये देखो इसमें ये नेट लगे हुए हैं, और इसमें ऐसा ना हो कि रात में मतलब बाहर से अंदर का दिखे, वो एक बार हम चेक कर लेंगे। बाकी बाथरूम काफ़ी बड़ा है गाइस, थोड़ा सा वियर्ड है यार ये जहाँ पर हम आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बोनफायर का भी है सिस्टम, तो मैंने इनको बोला कि भाई हमें बोनफायर चाहिए, मतलब पुनीत गया था बोलने, कहते हैं 1000 पर हेड, तो मुझे पर हेड वाला मतलब समझ नहीं आया, लकड़ियाँ यहाँ पर है आप उसको जला रहे हो, पर हेड से क्या मतलब होता है, 1000 rupees किस बात के पे कर रहे हैं? ऐसा तो है नहीं बोनफायर में आप हमको डिनर भी सर्व करके दे रहे हो या कुछ, वैल्यू एडिशन तो जीरो है उसमें, मतलब कोई इंसान आ रहा है कैंप में और वो कैसे इन्जॉय करेगा, रूम के अंदर तो नहीं कर सकते, तो थोड़ा वियर्ड लगा मेरे को, मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ अभी। हमें पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे बोनफायर के चार्जेस नहीं है गाइस, और डिनर हमें यहाँ पर सर्व करेंगे दोनों टेबल्स को मिला के, तो हम लोग साथ में काफ़ी इंजॉय करने वाले आज। इन्होंने डिनर की इतनी बात कही कि मेरे को सच में भूख लग गई, अब मैं जा रहा हूँ उनके ऊपर रेस्टोरेंट एक, वहाँ पर कुछ सैंडविच वगैरह खा लेता हूँ हल्का सा, क्योंकि आज लंच तो हुआ ही नहीं है, आज सिर्फ हम ब्रेकफास्ट करके आए घर से, तो भूख लग रही है काफ़ी अभी। ओह वाओ हियर वी आर अगेन, हियर वी आर अगेन। तो मैं
उस वाले रेस्टोरेंट को डिच करके इधर बैठा हूँ, यहाँ पर रखवा के खाना खाऊंगा इस व्यू के साथ। बड़े भाई इधर बैठ के खा सकते हैं ना, या उधर ही बैठ के खाना है? कर सकते हैं, थैंक यू, मुझे मेन्यू दे दो एक बार। देखते हैं क्या क्या है। तो ये है हमारा पास्ता, और अब मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है खाने में। अच्छा है पास्ता। यू नो गाइस, जैसे जैसे रात हो रही है ना, ठंड बढ़ती जा रही है यहाँ पर। अच्छा है कि मैं जैकेट लेकर आया हूँ, और नीतू भी लेकर आई, सब लोग लेकर आए, क्योंकि हमें अंदाज़ा तो था कि थोड़ी बहुत होगी, लेकिन अंदाजे से ज़्यादा ठंड है वैसे यहाँ पर। ओ देखो देखो, कितने प्यारे डस्टबिन बने हुए हैं यार, तेरे को कैसा लग रहा है? ये तो पेड़ है। नहीं, अच्छा नहीं है। ये तो पेड़ है। अच्छा, कोक तुम्हें? कोक फ्री की थी, ये पेड़ है। सबको दिलवाओ ना इसमें, लेकिन बहुत मिर्ची है, अब सबका नहीं पता मेरे को। सो गाइस, यहाँ पर आज हम लोग करेंगे डिनर। नीतू और पूनम दीदी अपने गेटअप में है, नंद भाभी वाले में। नीतू, ये अच्छा लग रहा है या पिछली बार जो डिनर करा था वो अच्छा लगा? अब वो तो खाना लेकर खाना, अरे मतलब एम्बियंस तो अच्छा है ना इस बार। ये तो तगड़ा लग रहा है देख के यार। अरे हम लोग टेबल इन्होंने मर्ज कर दिया। हाँ, कुछ ऑर्डर कर देते हैं। मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आया है। ओके, आ जाओ गाइस, आ जाओ, सब लोग बैठते साथ में। देखो कितना सुंदर माहौल लग रहा है। मैंने भैया को बोला यहाँ पर चेयर्स लगा दो, हम ये पर बैठ के खाना खाएंगे। भैया आ रही है चेयर्स हमारी? जब तक आई हमारा खाना आया भैया? मैं तो एक घंटा और ले सकती थी, अभी तक आया नहीं खाना। भैया बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पर, ठंड बहुत हो रही है, दिल्ली से ज्यादा यहाँ पर ठंड है, ये पूरा जंगल में है ना इसलिए। तो भाई हमारा खाना आ गया है सही, एक घंटे की वेट करने के बाद। ओ शिट, कांच का टूटना अच्छा होता तो अच्छा है। तो गाइज, हम लोग बहुत मस्त एम्बियंस में यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, गाने चलाए हुए हैं, इसमें रोमांटिक से, क्योंकि नीतू मेरे से दूर बैठी है इसीलिए मैं इतना खुश हूँ। तुम तो सबसे बड़े अनरोमांटिक हो। अरे कुछ भी कहती रहे। गाइज, हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, हमारे साथ ही, हमारे ड्राइवर्स के साथ। एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग तो यहाँ पर खाना खाते थे, हम लोग यहाँ पर रुके थे, बट ड्राइवर्स और जो भी हमारे वर्कर्स आए हैं होम वर्कर्स, उनके लिए इन्होंने अलग रूम रखा था, ठीक है। लेकिन उनका जो खाना भी था इन्हीं के अंडर में था, इन लोगों ने खाना दिया जिसमें से रोटी बिल्कुल जली हुई और झूठी प्लेट में थाली थी। और जो हमारा छोटे जो आया था, पूनम दीदी का जो हाउस हेल्पर है, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको बहुत सारी वॉमिटिंग हुई है। चलो देख कर आते हैं। गाइस, छोटे क्या हुआ? जी मैम, उल्टी सा हो रहा था, अभी हरेंद्र भैया ने जाके मुंह धुलाया था। क्या भैया, इसको झूठी प्लेट में खाना दे रहे हैं? झूठी प्लेट में खाना दिया मैंने बोला, तब जाके उन्होंने धोला। मैंने बोला कि भैया ये प्लेट झूठी कह रहे, खाना वो खाओ वरना जाओ। कौन है दिखाना मुझे? वो है, कौन है? आओ गाइस, हम दिखाते हैं इनकी असलियत। ये था? हाँ भाई। भाई कैसा खाना दिया? बुलाओ जरा एक बार। तो वैसे आपने पहले भी देखा था, हम लोग आई गेस एक हफ्ता पहले यहाँ पर आए थे, बट उस टाइम का एक्सपीरियंस कुछ और था, इस टाइम का कुछ और है, क्योंकि हमारे साथ जो भी स्टाफ ट्रेवल करता है, आपने पहले भी देखा कि हम जहाँ रुकते हैं वहीं पर वो लोग भी रुकते हैं। हम इनका दूसरा होटल कराए थे, क्योंकि ये मतलब अपनी कैपेसिटी से पूरा बुक हो चुका है, बट इन्होंने बोला कि इनके पास ऑलरेडी स्टाफ को रुकवाने के लिए कुछ क्वार्टर्स हैं, तो हमने इसीलिए उनको भी इधर रुकने के लिए बोला। बट द क्वालिटी ऑफ फूड दैट दे ऑफर्ड इज़ सो बैड कि उन्होंने फोटोज़ भेजे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया वो देख के। मैं सुबह होने तक का वेट कर रहा हूँ, उनको कहीं और शिफ्ट करूँगा। लेकिन ये बहुत इनह्यूमन बिहेवियर है, क्योंकि आप लोगों को देखना चाहिए कि जो स्टाफ है वो भी इंसान है, चाहे वो ड्राइवर हैं चाहे जो भी है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उनको कुछ भी झूठा खाना परोस दोगे या जला हुआ खाना दे दोगे, दिस इज़ नॉट डन हियर, ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं भी। तो ये बहुत ख़राब लगा मेरे को यहाँ का। एंड आई गेस ये हमारा लास्ट ट्रिप है इस वाले रिजॉर्ट में, आज के बाद इधर तो नहीं आने वाले एटलीस्ट हम। सो अभी बोन फायर पर सभी लोग बैठ कर लुफ्त उठा रहे हैं, ब्लर चेहरे इनके, सबको नींद ने जकड़ा हुआ है इन सबको। नीतू, तू तो सो जाती है इस टाइम तक यार। नींद आ रही है लेकिन मूड खराब हो गया, छोटे की हालत देख रहा है। नहीं अभी तो ठीक है वो। हाँ हाँ, पहले से ठीक है, बिठा दिया खाना खा रहा। ओके ओके, हम लोग जहाँ पे है इतना नेचुरल हो गए ये जगह, मेरे को नहीं पता था भाई। गिरगिट है हमारे रूम में, पहले नीतू को लगा छिपके लिए, लेकिन ध्यान से देखने पता चला गिरगिट। आपको भी दिखाता हूँ, ध्यान से देखो आप। तो फोन ही नहीं मिल रहा और ना यहाँ रिसेप्शन का कॉल लग रहा भाई। क्या देखो, नींद आएगी नीतू? आज तो भूतों की बातें चलेंगी। तुम करो। क्यों, डर गई? डर गई तू पहले ही? उन्हें नहीं मिल रहा फोन? गाइज, हमारा एक और प्लान था, वो था कि भूतों की कहानी डिस्कस करने का। जो हमारे अंकित भैया, उनके पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, बट आज नीतू सोचो कि थोड़े से उसको चक्कर आ रहा है, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र कर कर आए हैं और बहुत सारा काम भी निपटा है यहाँ पे। जिस सॉन्ग का शूट था वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा, कब मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा।
तो अभी फिलहाल इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। बाय बाय, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। और प्लीज़ 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 इस व्लॉग को लाइक करना मत भूलना। बाय, टेक केयर।